77 hearts beat. नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवीकार पोर्टल पे। एंड आज के कंपैरिजन वीडियो होने वाली है मारुति सुजुकी डिजायर एंड मारुति सुजुकी बलिनो की। डिजायर जो कि एक कॉम्पैक्ट सेडान है एंड बलिनो एक प्रीमियम हैचबैक होने के बावजूद मैं यह कंपैरिजन में क्यों बना रहा हूँ ये जानने के लिए वीडियो को जरूर अंत तक देखेगा, क्योंकि डिटेल कंपैरिजन वीडियो में मैंने सारे ही पॉइंट्स जैसे कि वेरिएंट्स एज वेल एज प्राइजेस, इंजन स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस, सर्विस कॉस्ट किसका कितना देखने मिलता है, क्या बलिनो का सर्विस कॉस्ट डिजायर से ज्यादा है या फिर डिजायर का सर्विस कॉस्ट बलिनो से ज्यादा है, किसके केबिन में कितना अच्छा स्पेस देखने मिलता है, स्पेसिफिकेशन के साथ साथ फीचर्स किस में अच्छे देखने मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स किस में अच्छे देखने मिल जाते हैं एंड एडिशनल फीचर जो कि डिजायर एंड बलिनो को एक दूसरे से अलग करते हैं एंड मैन्युफैक्चरर वारंटी किस में कितनी देखने मिल जाती है, यानी मारुति की तरफ से डिजायर या बलिनो में से किस में अच्छा वारंटी ऑफर देखने मिलता है एंड आखिर में मेरा वर्डिक कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए, यानी डिजायर एंड बलिनो में से आपको कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड बेस्ट रहने वाली है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल होने वाली है एंड बात करूंगा मैं सारे ही पॉइंट्स की, तो जरूर अंत तक देखेगा वीडियो को। एंड अगर आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है डिजायर एंड बलिनो को लेकर, तो जरूर वीडियो को अंत तक देख आपका मन का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेशनल ऑटोमोटिव कंटेंट मिलता रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स एज वेल एज प्राइजेस से। तो डिजायर का हमने VXI वेरिएंट लिया है जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है डिजायर का, जिसकी प्राइसिंग 7.64 लाख ऑन रोड प्राइस पड़ती है विद GST इन न्यू दिल्ली। वहीं बलिनो का हमने जेटा वेरिएंट लिया है जिसका प्राइस 7.88 लाख ऑन रोड प्राइस पड़ता है विद GST इन न्यू दिल्ली। अगर आप लोग डिफरेंस की बात करें तो 24,000 रुपीज का डिफरेंस है एंड इस 24,000 रुपीज के डिफरेंस के अंदर क्या आप लोगों को 24,000 बचा कर डिजायर लेनी चाहिए या फिर 24,000 लगा कर बलिनो लेनी चाहिए, किसकी आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा बेटर है ये आपको आगे ही पता चलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही कार्स में 1200cc का पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने मिलता है डिजायर में जो कि 89 bhp पावरफुल 113 nm टॉर्की है एंड 23.26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी इंजन क्लेम कर लेता है। वहीं बलिनो की बात की जाए तो इसमें आपको 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन देखने मिलता है जो कि 82 bhp पावरफुल 113 nm टॉर्की है एंड 21.01 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इंजन क्लेम कर लेता है। वेरिएंट्स के हिसाब से आपको दोनों ही कार्स में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने मिल जाता है एंड डिजायर में आप लोगों को आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन देखने मिल जाता है जो कि बलिनो में नहीं देखने मिलता। अब बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा पावरफुल इंजन डिजायर में देखने मिलता है, ज्यादा बेटर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, कंफर्टेबल लेवल जो आपको डिजायर में देखने मिलेगा वो बलिनो में नहीं देखने मिलता। मारुति सुजुकी डिजायर की बात की जाए तो राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बेटर है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बलिनो के मुकाबले कम है जिसके कारण डिजायर रोड पर चिपक कर चलती है एंड काफी अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी के साथ साथ राइड क्वालिटी भी देती है। काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं डिजायर की एंड सस्पेंशन सेटअप भी काफी अच्छी तरीके से फॉर्म सस्पेंशन सेटअप किए गए हैं, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा स्टिफ है, खराब रास्तों में भी आरामदायक राइड क्वालिटी डिजायर में देखने मिलेगी। वहीं मारुति सुजुकी बलिनो की बात की जाए तो डिजायर के मुकाबले आपको थोड़ा सा कम पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलता है लेकिन माइलेज की बात की जाए तो वो भी आपको डिजायर में ही ज्यादा देखने मिलेगा। बलिनो की बात की जाए तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा है डिजायर के मुकाबले जिसके कारण बलिनो की सस्पेंशन सेटअप थोड़े से स्टिफ है, जिसके कारण अगर आप आरामदायक राइड क्वालिटी की बात की जाए तो वो डिजायर की काफी ज्यादा बेटर है बलिनो के मुकाबले। आपको थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन सेटअप बलिनो में देखने मिलता है जिसके कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है ज्यादा खराब रास्तों पर। वहीं बलिनो की बात की जाए तो थोड़ा सा कम पावर पेट्रोल इंजन देखने मिलता है, जो इनिशियल पिकअप एंड परफॉर्मेंस है वो आपको डिजायर का थोड़ा सा बेटर देखने मिलेगा बलिनो के मुकाबले। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस और राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो डिजायर काफी आगे रह जाती है बलिनो के मुकाबले। वहीं अगर मैं बात करूं ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में आपको दोनों ही कार सिमिलर देखने मिलती हैं, बस राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट लेवल का ही डिफरेंस है। तो बलिनो में कंफर्ट लेवल थोड़ा सा कम देखने मिलता है डिजायर के मुकाबले, बाकी ओवरऑल डिजायर परफॉर्मेंस के मामले में एक बेनिफिट रखती है बलिनो के मुकाबले। चलिए अब बात कर लेते हैं किसका कितना सर्विस कॉस्ट देखने मिलता है, यानी कौन सी कार आपकी जेब पर ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तो ओवरऑल मैं पहले बता दूं दोनों ही कार्स का सर्विस इंटरवल आपको 10,000 किलोमीटर्स का देखने मिलता है, यानी 10,000 किलोमीटर्स पर ही इसकी पेड सर्विस होती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विफ्ट की पेड सर्विस कॉस्ट की। तो इसका पहला पेड सर्विस 10,000 किलोमीटर पर होता है जिसकी कॉस्ट 2,370 रुपीज पड़ती है, सेकेंड सर्विस 20,000 किलोमीटर पर
5,230 रुपीस कॉस्ट करती है। थर्ड सर्विस 30,000 किलोमीटर्स पर 4,830 रुपीस कॉस्ट करती है। फोर्थ सर्विस 40,000 किलोमीटर पर 6,190 रुपीस कॉस्ट करती है। वही फिफ्थ सर्विस 50,000 किलोमीटर पर 4,380 रुपीस कॉस्ट करती है। तो ये था 50,000 किलोमीटर का सर्विस कॉस्ट डाटा डिजायर का। अब मैं बात करने वाला हूँ बलिनो के 5 इयर्स 50,000 किलोमीटर की सर्विस कॉस्ट की। यहाँ पर बलिनो की पेड सर्विस 10,000 किलोमीटर पर होती है, जो कि 2,450 रुपीस कॉस्ट करती है। वहीं सेकंड सर्विस 20,000 किलोमीटर पर होगी, जो कि 5,050 रुपीस कॉस्ट करेगी। थर्ड सर्विस 30,000 किलोमीटर पर 4,500 रुपीस। वहीं फोर्थ सर्विस 40,000 किलोमीटर पर 6,550 रुपीस कॉस्ट करती है। वहीं फिफ्थ सर्विस 50,000 किलोमीटर पर 4,050 रुपीस कॉस्ट करेगी। तो यह था ओवरऑल 5 ईयर 50,000 किलोमीटर का सर्विस कॉस्ट का डाटा मारुति बलिनो का। चलिए अब बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 5 ईयर सर्विस कॉस्ट किसका कितना देखने मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजायर के 5 ईयर 50,000 किलोमीटर के सर्विस कॉस्ट की, तो वो पड़ता है 23,000 रुपीस। वहीं बलिनो के 5 ईयर 50,000 किलोमीटर के सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो वो पड़ता है 22,600 रुपीस। जो डिफरेंस आ रहा है वो 400 रुपीस का है। यानी अब आप सोच सकते हैं कि अफोर्डेबल सर्विस कौन दे रहा है एंड कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने वाला है। डिज़ायर की बात की जाए तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको बेटर लगने वाला है बलिनो के मुकाबले, लेकिन बलिनो की सर्विस कॉस्ट आपको अफोर्डेबल लगने वाली है। वहीं डिज़ायर की बात की जाए तो यह अरीना का प्रोडक्ट है, जिसके कारण आपको नॉर्मल मारुति सुजुकी की आफ्टर सेल सर्विस देखने मिलेगी, जो कि इतना ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको नहीं देखने मिलेगा। वहीं बलिनो की बात की जाए नेक्सा का प्रोडक्ट होने के कारण काफी अच्छी प्रीमियम आफ्टर सेल सर्विस देखने मिलेगी एंड उसके बावजूद भी आपको अफोर्डेबल देखने मिलती है। वहीं डिजायर के कंपैरिजन में आपको बलिनो की सर्विस एक्सपीरियंस के साथ साथ अफोर्डेबल सर्विस देखने मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके केबिन में आपको ज्यादा अच्छा स्पेस देखने मिलता है। यानी अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाहे विड्थ का मामला हो चाहे व्हील बेस का मामला हो, आपको बलिनो में काफी अच्छा व्हील बेस एंड विड्थ देखने मिल जाती है। एंड ओवरऑल लेंथ भी दोनों ही कार्स की सेम है। यानी अगर डिजायर की बात की जाए, डिजायर की लेंथ एंड बलिनो की लेंथ सेम है। इसका मतलब है कि ज्यादा अच्छा स्पेशियस केबिन आपको बलिनो में देखने मिलता है डिजायर के मुकाबले। तो यहाँ पर आप लोगों को 10 mm ज्यादा शोल्डर रूम देखने मिलता है रेयर सीट में। यानी 5 एडल्ट्स आराम से बलिनो में बैठ सकते हैं डिजायर के मुकाबले एंड काफी अच्छी लॉन्ग ड्राइव भी बलिनो में कर सकते हैं। ओवरऑल बलिनो में आपको काफी अच्छी कंफर्टेबल सीट्स भी देखने मिल जाती हैं। ओवरऑल रेयर सीट स्पेस की बात की जाए तो बलिनो की काफी ज्यादा बेटर है डिजायर के मुकाबले। व्हील बेस ज्यादा होने के कारण बलिनो में आपको काफी अच्छा लेग रूम, नी रूम देखने मिल जाता है रेयर सीट में एंड काफी अच्छा शोल्डर रूम देखने मिल जाता है डिजायर के मुकाबले। तो ओवरऑल कंफर्ट लेवल एंड ओवरऑल केबिन स्पेस की बात की जाए तो यूटिलिटी स्पेसेस के साथ साथ आपको काफी अच्छा केबिन स्पेस बलिनो का देखने मिलता है डिजायर के मुकाबले। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो यहाँ पर आप लोगों को बलिनो में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है, जबकि डिजायर में 163 mm का। एंड इस ग्राउंड क्लियरेंस के फर्क के हिसाब से ही आपको ज्यादा अच्छी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी डिजायर में देखने मिलती है, जबकि ये ग्राउंड क्लियरेंस का फर्क आप अगर खराब रास्तों में ज्यादा ट्रेवल करते हैं, खराब रास्तों में ही आपका कम्यूट है, या फिर ऐसे रास्तों पर ज्यादा कम्यूट करते हैं जहाँ पर रास्ते ही ना हो, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, विलेज एरिया में अगर आपका आना जाना लगा रहता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बलिनो का ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा मददगार रहेगा डिजायर के मुकाबले। चलिए अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पर आपको 339 लीटर का बूट स्पेस बलिनो में देखने मिलता है एंड जो केबिन स्पेस आपको कम देखने मिलता है डिजायर में, वो बूट स्पेस में आ चुका है। यानी 378 लीटर का ज्यादा अच्छा बूट स्पेस डिजायर में देखने मिलता है। तो आपको केबिन स्पेस के साथ साथ बूट स्पेस काफी अच्छा देखने मिल जाता है डिजायर में, लेकिन जो ओवरऑल केबिन स्पेस बलिनो में देखने मिलता है उस हिसाब से बूट स्पेस बलिनो का भी काफी अच्छा है। तो दोनों ही कार्स में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं टायर साइज एंड टाइप की। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स में स्टील स्पेयर व्हील देखने मिलते हैं। वहीं एक्चुअल व्हील्स की बात की जाए तो स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स डिजायर VXI में ऑफर की जाती है। 165/80R14 टायर साइज है, यानी 14 इंचेस के व्हील्स आपको डिजायर में देखने मिलते हैं। बलिनो की बात की जाए तो अलॉय व्हील्स देखने मिल जाते हैं। 195/55R16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेटर साइज के साथ आते हैं, थोड़े से अच्छे प्रोफाइल के साथ आते हैं। बलिनो की वेट ग्रिप एंड ब्रेकिंग काफी ज्यादा बेटर होगी डिजायर के मुकाबले। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों कार्स में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स एंड कॉमन फीचर्स की। तो कॉमन सेफ्टी फीचर्स की सबसे पहले बात कर ले तो दोनों कार्स में डुअल एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग आपको कीलेस देखने मिलेगी, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक,
कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बलिनो में देखने मिलता है, जबकि मैनुअल एयर कंडीशनिंग डिजायर में देखने मिलती है। रेयर एसी वेंट्स आपको डिजायर में देखने मिल जाते हैं, जो कि बलिनो में नहीं मिल पाते। वैनिटी मिरर ऑन सनवाइजर केबिन बूट एक्सेस आपको बलिनो में देखने मिलता है, डिजायर में नहीं मिल पाता। इलेक्ट्रॉनिक एंटी ग्लेयर मिरर आपको बलिनो में देखने मिलता है, जबकि मैनुअल इंटरनल एडजस्टेबल एंटी ग्लेयर मिरर आपको डिजायर में देखने मिलता है। रेयर पार्किंग सेंसर्स, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर एंड कीलेस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको बलिनो में देखने मिलता है, जो कि डिजायर में नहीं मिल पाता। डिजायर में आपको मैनुअल की स्टार्ट देखने मिलता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको बलिनो में देखने मिलता है, जबकि टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ही डिजायर में देखने मिलता है। दोनों ही कार्स में आपको ट्विन 12 वोल्ट पावर आउटलेट देखने मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टोरेज स्पेसेस की। तो यहाँ पर आपको डिजायर में फ्रंट एंड रेयर कप होल्डर्स देखने मिलते हैं, जबकि फ्रंट कप होल्डर्स ही बलिनो में देखने मिलते हैं, लेकिन ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज बलिनो में देखने मिलता है, जो कि डिजायर में नहीं मिल पाता। वहीं पावर विंडोज की बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आपको फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज देखने मिल जाती है। बलिनो में आपको ड्राइवर वन टच अप फंक्शन के साथ देखने मिलती है, वहीं डिजायर में आप ड्राइवर वन टच डाउन फीचर के साथ देखने मिलती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVM टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है, जबकि रेयर डिफॉगर रेयर वाइपर का ऑप्शन आपको बलिनो में देखने मिलता है, डिजायर में नहीं मिल पाता। बात कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप की। तो यहाँ पर आपको हेलोजन फॉग लाइट्स बलिनो में देखने मिलती है, जो कि डिजायर के VXI वेरिएंट में नहीं आ पाती। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट बलिनो में देखने मिलता है, जबकि हेलोजन हेडलैम्प आपको डिजायर में देखने मिलेगा। LED टेल लाइट्स के साथ साथ फ्रंट एंड रेयर केबिन लैम्प आपको बलिनो में देखने मिलता है, वहीं फ्रंट केबिन लैम्प ही VXI वेरिएंट में डिजायर में देखने मिलता है। हेडलाइट हेड एडजस्टर एंड ग्लव बॉक्स लैम्प आपको बलिनो में देखने मिलता है, जबकि लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर एंड ग्लव बॉक्स लैम्प आपको VXI वेरिएंट में नहीं मिल पाता, डिजायर में। ड्राइवर एंड को ड्राइवर लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर बलिनो में देखने जरूर मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो दोनों ही कार्स में आपको एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता है। डिजायर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा बेसिक एंड सिंपल है, वहीं बलिनो की बात की जाए तो थोड़ा सा कलरफुल एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता है, जो काफी अच्छा प्रीमियम फील भी देता है। दोनों ही कार्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको काफी सारे फीचर्स शो कर देते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही कार्स में आपको इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम देखने मिल जाता है। ड्यूअल डिन म्यूजिक सिस्टम आपको डिजायर में देखने मिलता है, जबकि आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बलिनो में देखने मिलता है। वहीं अगर स्पीकर्स की बात करें तो 6 स्पीकर्स आपको बलिनो में देखने मिलते हैं, जबकि 4 स्पीकर्स आपको डिजायर में देखने मिलते हैं। GPS नेविगेशन सिस्टम भी आपको बलिनो में देखने मिलता है, जो कि डिजायर में नहीं मिल पाता। ये दोनों ही सिस्टम को आप USB ऑक्स एंड ब्लूटूथ के साथ साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस देखने मिल जाते हैं, तो वहां पर भी आप स्मार्ट कनेक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। वहीं स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड का फीचर आपको बलिनो में जरूर देखने मिलता है, जबकि वॉइस कमांड VXI वेरिएंट में डिजायर में नहीं देखने मिलता। वहीं स्पीकर आउटपुट की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही कार्स में निपॉन के स्पीकर्स देखने मिलते हैं, लेकिन बलिनो में थोड़ा सा बेटर आउटपुट देखने मिलता है स्पीकर्स का। वहीं डिजायर में 4 स्पीकर्स होने के कारण इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर वारंटी की। तो दोनों ही कार्स में आपको सेम 2 ईयर 40,000 किलोमीटर का वारंटी ऑफर देखने मिल जाता है, जो कि ऑल्टो ब्रेजा सब में ही जैसा दिया हुआ है, तो ज़्यादा शॉक होने वाली बात नहीं है। तो अगर आपका रनिंग ज़्यादा है, आपको पता है कि 2 साल में आप 40,000 से ज़्यादा चला देंगे, तो एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर आपको लेना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स की, जो कि मारुति सुजुकी डिजायर एंड मारुति बलिनो को एक दूसरे से अलग बनाते हैं फीचर्स के टर्म्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुति डिजायर के एडिशनल फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप पोलन फिल्टर रेयर एक्सेसरी सॉकेट यानी पावर आउटलेट के साथ साथ रेयर एसी वेंट्स देखने मिल जाते हैं, जबकि मारुति बलिनो की बात की जाए तो ड्राइवर एंड को ड्राइवर वाइजर विद लाइट्स देखने मिलता है, रेयर पार्सल शेल्फ, फ्रंट सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रेयर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड यहां पर आप लोगों को LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी आपको यहां पर बलिनो में देखने मिल जाती हैं। तो ये थे कुछ एडिशनल फीचर्स मारुति बलिनो एंड मारुति डिजायर के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि विच इज बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी टू बाय। वर्डिक्ट देने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मारुति डिजायर एंड मारुति बलिनो का एनकैप ग्लोबल क्रैश टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर मारुति सुजुकी डिजायर का तो नहीं हुआ है, बट स्विफ्ट का हुआ है, लेकिन दोनों ही बॉडी शेल चेसी एज वेल एज बॉडी टाइप सेम होने के कारण डिजायर को भी सेम सेफ्टी रेटिंग्स दी गई हैं। तो यहाँ पर 2 out of 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स डिजायर को देखने मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के मामले में काफ़ी ज़्यादा कमजोर बैठती है डिजायर। अगर मैं बात करूँ डिजायर की, तो सबसे ज़्यादा बिकने के बावजूद भी मारुति डिजायर की सेफ्टी को लेकर एज सच सीरियस नहीं है, पुअर बिल्ड क्वालिटी देती है एंड वहीं सेफ्टी फीचर्स तो एज सच कंपलसरी कर ही दिए हैं, इसी का कारण मारुति वाले सेफ्टी भी दे रहे हैं, नहीं तो सिंगल एयरबैग देकर वो भी छोड़ देते।
इसीलिए डिजायर अगर आप सेफ्टी के तौर पर देख रहे थे तो बिल्कुल भी ना ले तो ज्यादा बेटर होगा। वहीं मारुति बलिनो की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग मारुति का प्रोडक्ट होने के बावजूद भी मिल जाती है, 3 out of 5 star, जो कि एज सच इतनी ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन डिजायर के मुकाबले काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग देखने मिल जाती है। वहीं इंटीरियर क्वालिटी, फिट एंड फिनिश एंड प्लास्टिक क्वालिटी भी आपको बलिनो में थोड़ी सी प्रीमियम देखने मिलती है डिजायर के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर इन सब चीजों से आपको फर्क पड़ता है तो पॉइंट जरूर नोट करके रख लीजिए। अगर आपको सेफ्टी से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता एंड अगर आप डिजायर एंड बलिनो में से किसी एक को लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बलिनो को चूज कर सकते हैं, अगर आपको बूट स्पेस की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। मारुति बलिनो को अब मैं लेने की सलाह क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका सर्विस कॉस्ट भी लो है, आप सिमिलर परफॉर्मेंस देखने मिलती है, माइलेज भी आप लोगों को बलिनो में काफ़ी अच्छा देखने मिल जाएगा जितना आपको डिजायर में देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोगों को बूट स्पेस की ज़्यादा एक्चुअल में यूसेज नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मारुति बलिनो में आपको काफ़ी अच्छा केबिन स्पेस देखने मिल जाता है, यूटिलिटी स्पेसेस देखने मिल जाते हैं, अच्छा खासा 339 liters का बूट स्पेस देखने मिल जाता है। लेकिन डिजायर से अगर कंपेयर किया जाए तो सिर्फ बूट स्पेस के मामले में मारुति बलिनो मात खा जाती है, नहीं तो सारी चीजें आपको मारुति बलिनो में काफी अच्छी देखने मिल जाती हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेडान है तो सब 4 meter के अंदर आने वाली है, दोनों की लेंथ भी सेम है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर बूट स्पेस इंक्रीज करना है तो यहाँ पर डिजायर के ओवरऑल केबिन स्पेस को तो कम करना ही पड़ेगा, जिसके कारण आपका कंफर्ट लेवल भी कम हो जाता है। अगर आप रेयरली कभी कभी ओकेशनली ही अपने बूट स्पेस को यूज करते हैं, जो कि अधिकतर होता है, एज सच आपको बूट स्पेस की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल मारुति बलिनो को चूज करें, क्योंकि आपको रीसेल वैल्यू भी मारुति का प्रोडक्ट होने के कारण बलिनो काफी अच्छी दे जाएगी। अगर आपको 4 to 5 साल बाद अपनी कार को एक्सचेंज करना हो या फिर सेल आउट कर नहीं लेनी हो, जो भी आपका कारण हो, तो आपको काफी अच्छी रीसेल वैल्यू बलिनो भी दे देगी। वहीं सर्विस कॉस्ट भी आपको अफोर्डेबल देखने मिलता है बलिनो का, वहीं आफ्टर सेल सर्विस नेक्सा की काफी ज्यादा बेटर है अरीना के मुकाबले। वहीं मारुति बलिनो आपको काफी अच्छा स्पेशियस केबिन ऑफर करती है, काफी अच्छा माइलेज भी इंजन क्लेम कर लेता है, तो ओवरऑल बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी पैक जो है इस प्राइस पॉइंट में आपको बलिनो लगने वाला है। फीचर्स भी काफी अच्छे देखने मिल जाते हैं डिजायर के मुकाबले, क्योंकि अगर आप डिजायर को ही अपग्रेड कराएंगे तो जो 31,000 या फिर 30,000 rupees अगर आप लगाकर बलिनो लेने वाले थे, वहां पर डिजायर में आप 50,000 लगा लेंगे, तो ओवरऑल एक महंगा प्रोडक्ट यहाँ पर डिजायर साबित होता है एंड बलिनो काफी ज्यादा बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, तो आप बिल्कुल बलिनो को चूज कर सकते हैं। एंड अगर आप इन दोनों के ही अलावा किसी कार को लेने चाहते हैं तो वो जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा एंड ये जरूर बताइएगा कि आप इन दोनों ही कार्स में से आपका कौन सा चॉइस रहने वाला है। तो चलिए ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आई लाइक करना, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।